ओलंपिक 2024 दोस्तों, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक टूर्नामेंट चलने वाला है। उसमें इंडिया के बहुत सारे लोग अलग अलग विभाग में अलग अलग क्षेत्र में जाके खेलने वाले हैं। बात करेंगे क्या क्या कौन कौन से प्लेयर्स गए हैं यहाँ पर। उससे पहले बता दें कि आज तक का रिकॉर्ड दोस्तों किसी भी ओलंपिक में 7 मेडल से मेडल से ज्यादा नहीं ले पाया है टीम इंडिया। तो क्या लगता है इस बार इंडिया 7 मेडल से ज्यादा ले पाएगा? 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24 कितने ले पाएगा वो तो हम बाद में जाएंगे दोस्तों, पर यस इस बार इंडिया अच्छा करेगा। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने वाला है? पहले आर्ची है, एथलीट है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, फील्ड हॉकी है, गोल्फ है, जूडो है, रोवलिंग है, उसके शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है, ब्रिस्टिल है। तो ये वेट लिफ्टिंग है दोस्तों, तो इसके साथ में टोटल 112 प्लेयर्स खेलने वाले हैं, जिसमें 66 मेन्स है और 46 वुमेन्स है दोस्तों। तो ये बड़ा गथा गया है। तो बात करें कौन कौन से प्लेयर क्या क्या खेलने वाले, देखो बात करेंगे तो 29 प्लेयर एथलीट जो कि खेलने वाले हैं। सबसे बड़ा गथा गया एथलीट्स का, तो एथलीट्स में 29 प्लेयर, बैडमिंटन में 7, निशानेबाजी में 21, टेबल टेनिस में 9 और हॉकी में तो हमारी पूरी टीम गई है और 3 रिजर्व प्लेयर भी गए हैं साथ में। तो बात करें पहले एथलीट में, एथलीट में टोटल 18 मेंस खेलने वाले हैं, जिसमें कि वापिस से उम्मीद होंगी नीरज चोपड़ा से, किशोर जिन्ना से, कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, टीम को वहां से कुछ गोल्ड ला के दे और गोल्ड ला के दे। बात करें महिलाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ टोटल 11 लोग गई हैं, 11 वुमेन्स गई है, जिसमें कि ये सारी वुमेन्स जो क्या वो खेलते हुए दिखाई देगी, जो वुमेन्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देगी। हॉकी अगेन एक बड़ा गेम होगा, एक बड़ा चैलेंज होगा सारी टीमों के लिए कि इंडिया टीम को हराना, क्योंकि हॉकी में इंडिया टीम ने लास्ट टाइम भी सिल्वर लिया था और इस बात को उम्मीद है कि मनदीप सिंह की ये टीम इस बार मेडल में गोल्ड ला के लेके ही आएगी दोस्तों। शूटिंग की बात करें तो 10 पुरुष वाले शूटिंग वाले खेलने वाले हैं और 10 ही महिला, 11 महिला शूटिंग में खेलने वाली है। तो शूटिंग में दोनों ही सेम चीजें खेलने वाले, 10 मीटर राइफल खेलने वाले, 50 मीटर राइफल खेलने वाले हैं, फिर 10 मीटर पिस्तौल में, 25 मीटर पिस्तौल में। तो देखते हैं इस बार क्या ये 21 लोग जो कि गए हैं वहां पर, 10 मेंस और 11 वुमेन्स, उससे क्या इस बार इंडिया को कुछ मेडल दिला पाएंगे क्या? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, तीनों में से कुछ तो इंडिया टीम को यहाँ से भी चाहिए अगर 20+ करना है तो। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों जो कि हमारी कुश्ती, कुश्ती में टोटल 6 लोग गए हैं, जिसमें कि अगेन सबसे बड़े दारंदा रहेगा अमन, किस तरीके से खेलते हैं अमन के पास बहुत बड़ा चांस रहेगा इस बार इंडिया को कुछ मेडल दिलवाने में। बॉक्सिंग में फिर से दोस्तों हमारे पास एक अच्छा बॉक्सिंग में, इंडिया का बॉक्सिंग का बहुत अच्छा नाम है दोस्तों, तो बॉक्सिंग में उम्मीद है कि लेके जाएंगे 100%। बैडमिंटन में पीवी संधु के ऊपर फिर से एक बार दारोमदार रहेगा, ऑलरेडी 2 बार इंडिया टीम को पीवी संधु दिलवा चुकी है गोल्ड और इस बार उम्मीद करेंगे कि इस बार भी कुछ मेडल दिलवा के लेके जाए पीवी संधु। SH पढ़ने दोस्तों इस बार उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा उम्मीद के अकॉर्डिंग खेले। और बात करें मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू ने दोस्तों पिछली बार भी हमको एक मेडल दिलवाया था, इस बार भी उम्मीद करेंगे मीराबाई चानू एक अच्छा मेडल दिला के लेके जाए टीम इंडिया को। और रोहन बोपोना और श्रीराम बालाजी टेनिस में कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे टीम इंडिया के लिए। और टेबल टेनिस में टोटल 6+8 प्लेयर गए हैं, 6+2 दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि रिजर्व प्लेयर की जरूरत ना पड़े, हमारे मेन जो प्लेयर खिलाए हैं दोस्तों वही अपने को मेडल्स ला के दे, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, कोई भी मेडल चलेगा, बट कलर चाहिए इस बार। तैराकी में 2 प्लेयर गए दोस्तों जो कि खेलते हुए दिखाई देंगे टीम इंडिया की तरफ से। बात करें आर्चरी में दोस्तों, आर्चरी में टोटल 3+3 प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। दोस्तों ये है सारे प्लेयर्स जो लिस्ट में आपको बताया जाता था कि इस बार कौन से प्लेयर गए हैं, कौन कौन से खेल खेलने वाली है टीम इंडिया। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए मुझे दोस्तों कितने गोल्ड आएंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने गोल्ड आने वाले हैं, कितने ब्रॉन्ज आने वाले हैं, कितने सिल्वर आने वाले टीम इंडिया को इस बार। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस एंड जॉइनिंग अस।